रुख करते हैं उत्तर प्रदेश का, जहां लखीमपुर खीरी में दो सगी दलित बहनों की हत्या कर शवों को पेड़ से टांग दिया गया। इस सनसनीखेज मामले में अभी 6 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। सभी के खिलाफ पॉस्को रेप हत्या समेत गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। घटना के बाद से विपक्ष योगी सरकार पर हमलावर है। इस बीच उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री बृजेश पाठक ने बताया कि इस केस की सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट में होगी, ताकि दोषियों को जल्द से जल्द सजा मिल सके। उन्होंने कहा कि दोषियों के खिलाफ ऐसी कार्यवाही की जाएगी जिससे अपराधियों की रूह कांप उठेगी। उप मुख्यमंत्री बृजेश पाठक ने कहा कि लखीमपुर की घटना बहुत ही दुखद है। सरकार ने मामले को गंभीरता से लिया है। सरकार सीधे नजर बनाए हुए थी। लखीमपुर की घटना का पर्दाफाश हो गया है। आरोपियों ने पहले बच्चियों के साथ दुष्कर्म किया, फिर हत्या कर उनके शवों को लटका दिया। उन्होंने कहा कि जुनैद सुहेल, हाफिजुल करीमुद्दीन और आरिफ इस घटना में शामिल थे। लड़कियों की गला दबाकर हत्या की गई और फिर उन्हें फांसी पर लटका दिया गया। सरकार ऐसा कदम उठाएगी कि उनकी आने वाली पीढ़ियों की आत्मा भी कांप उठेगी। फास्ट ट्रैक कोर्ट के माध्यम से मृतक बच्चियों को न्याय दिया जाएगा। इस मामले में एसपी ने कई खुलासे किए हैं। एसपी ने बताया कि आरोपियों ने पहले किशोरियों के साथ बहला फुसला कर रेप किया, फिर शादी की बात करने पर विवाद हुआ। आरोपियों ने दुपट्टे से गला दबाकर दोनों की हत्या की है। मामले में यूपी पुलिस ने 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जिनसे पूछताछ के बाद कई खुलासे हुए हैं। वहीं इस मामले में सियासत भी तेज हो गई है। कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, आम आदमी पार्टी, तृणमूल कांग्रेस समेत कई विपक्षी पार्टियां बीजेपी सरकार पर लगातार हमलावर हैं। लखीमपुर की घटना बहुत ही दुखद है हमारे लिए। सरकार ने बहुत ही गंभीरता के साथ लिया। कल से ही हम लोग चिंतित थे। सरकार सीधे नजर बनाए हुए थी। आज मैं पूरे प्रदेशवासियों को बताना चाहता हूं कि लखीमपुर की घटना का पर्दाफाश हो गया है। उसमें मुख्य रूप से जुनैद सुहेल, हफीजुर रहमान, कलीमुद्दीन और इसके साथ ही साथ आरिफ का भी नाम प्रकाश में आया है। जुनैद सुहेल और हफीजुर रहमान ने ये बच्चियों को ले जाकर के पहले उनके साथ दुष्कर्म किया है, ऐसा भी बताया गया है प्रथम दृष्टया। रिपोर्ट आने के बाद और भी मैं स्पष्ट कर पाऊंगा पोस्टमार्टम के बाद, लेकिन अभी ये जो प्रकाश में आया है कि उसके बाद फिर उनकी गला दबाकर हत्या कर दी उनकी चुन्नी से, उसके बाद उनको हैंग किया। हैंग करने से पहले फोन करके उन लोगों ने कलीमुद्दीन और आरिफ को भी मौके पर बुलाया, उसके बाद ये दुखद घटना का अंजाम दिया है। इस प्रकरण में पूरी तरह से सरकार इन पर ऐसी कार्रवाई कठोर करेगी कि आने वाली पीढ़ियां की रूह भी कांपेगी इन अभियुक्तों की, और पूरी तरह से सरकार पीड़ित परिवार के साथ है। हर स्थिति में उनको न्याय मिलेगा। पूरे प्रकरण को हम फास्ट ट्रैक कोर्ट में ले जाएंगे और शीघ्र से शीघ्र सजा दिलाएंगे। हमारी सरकार ने बहुत ही चिंता व्यक्त की थी अधिकारियों के साथ। मैं सभी अधिकारियों को, जिन लोगों ने इसमें राउंड द क्लॉक लग करके इस घटना का पर्दाफाश किया है, उनको मैं बधाइयां देता हूं और कहता हूं पीड़ित परिवार के साथ संवेदनशीलता के साथ काम करें और हर स्थिति में उनको संतुष्ट करें कि किस ढंग से केस का पर्दाफाश हुआ है। और मैं ये भी कहना चाहता हूं कि भविष्य में ऐसी घटनाएं न हों, सभी पुलिस अधीक्षक लगातार निगरानी रखें और ऐसे संदिग्ध व्यक्तियों को तत्काल कार्रवाई करके उनको जेल भेजें। मगर विपक्ष लगातार सवाल उठा, देखिए विपक्ष के आप जानते हैं कि जब उनकी सरकार थी तो उस समय की घटनाओं को उन्हें याद करना चाहिए। हमारी सरकार ऐसी सभी घटनाओं को गंभीरता से लेती है और कड़ी कार्रवाई करती है। इस मामले में भी हम भारतीय दंड संहिता के तहत और अन्य अधिनियमों के तहत कड़ी कार्रवाई करने वाले हैं।